रहे हैं तो पार्टी में जाने के लिए अड़ी हुई है। सर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो तो पार्टी में जाने के लिए अड़ी हुई है, पार्टी में जाने के लिए अड़े रहना, कोई काम करने के लिए अड़ जाते हो तो हम यूज़ करते हैं बेंट ऑन। बेंट ऑन जैसे वो पार्टी में जाने की अड़ी हुई है, शी इज़ बेंट ऑन गोइंग इन पार्टी। वो तो बस खाना खाने के लिए अड़ा हुआ है, अब खाना खा के ही मानेगा, तो ही इज़ बेंट ऑन हैविंग फूड। किसी काम को डिसाइड कर लेना, डिटरमिन हो जाना कि ये काम करके मानूंगा, पक्का इरादा कर लेना, तो बेंट ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने निश्चित कर लिया है, अब दृढ़ कर लिया है, अड़ गया हूँ मैं कि मुझे अब ये अपना कोर्स फिनिश करना है इस बार, तो आई एम बेंट ऑन फिनिशिंग माई कोर्स। मैं अड़ गया हूँ इंग्लिश सीखने पे, आई एम बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं बेंट ऑन का। जैसे वह अड़ा हुआ है शादी करने के लिए, यू कैन कमेंट बिलो, हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं पार्टी में जाती हूँ हमेशा मुझे ही नचाया जाता है, सर इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जब कभी पार्टी में जाता हूँ मुझे नचाया जाता है, मुझे बिठा दिया जाता है, मुझे पनिश किया जाता है। तो जब तक इस तरह सेंटेंस आते हैं, मुझे कोई काम किया जाता है, ये आपका एक पैसिव का यूज़ करता है। एक पैसिव के सेंटेंस होते हैं आपके, जैसे नाचना होता है डांस, नचाना होता है मेक डांस। जब मेक सेंटेंस जब आते हैं तो उसको पैसिव जब बनाया जाता है तो हम मेक मेड टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे नचाया जाता है, आई एम मेड टू डांस। जैसे जब कभी पार्टी में जाती हूँ मुझे नचाया जाता है, वेन एवर आई गो इन पार्टी आई एम मेड टू डांस। जब मैंने स्कूल टाइम पे मैंने जब फीस पे नहीं की थी तो मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था। एट द टाइम ऑफ माई स्कूल व्हेन आई डिड नॉट पे माई फीस आई वॉज मेड टू स्टैंड आउट ऑफ द क्लास। सभी बच्चों को बाहर बिठाया गया, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट आउटसाइड। मुझे हमेशा क्लास में खड़ा कर दिया जाता है, आई एम ऑलवेज मेड टू स्टैंड इन अ क्लास रूम। तो इस तरह से मेड टू का यूज़ कर सकती हो। यू ऑल्सो कैन कमेंट ब्लो, उसे हमेशा स्टेज पर बुलवाया जाता है। कमेंट ब्लो एंड मेक द प्रैक्टिस। सो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। इंग्लिश सीखने को वेस्ट जो लेते इंग्लिश। थैंक यू।